नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल की, जिससे कि सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही हम प्रथम महिला मंत्री और वर्तमान मंत्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। आपका पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद एंड ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962 तक देश के राष्ट्रपति रहे। और हम बात करें प्रथम महिला राष्ट्रपति की, तो वो थी प्रतिभा पाटिल, जो कि 2007 से 2012 तक देश की राष्ट्रपति रही। और वर्तमान में राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि 2022 से देश की राष्ट्रपति हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी एंड ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू 1947 से 1964 तक देश के प्रधानमंत्री रहे। और अगर हम बात करें प्रथम महिला प्रधानमंत्री, तो वो थी इंदिरा गांधी, जो कि सन 1966 से 77 और 1980 से 1984 तक देश की प्रधानमंत्री रहीं। और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो कि 2014 से देश के प्रधानमंत्री हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद एंड ऑप्शन डी अमित शाह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि 1947 से 1950 तक देश के गृह मंत्री रहे। और प्रथम महिला गृह मंत्री, तो वो थी इंदिरा गांधी, जो कि 1970 से 1973 तक देश की गृह मंत्री रहीं। और वर्तमान गृह मंत्री हैं अमित शाह। आपका अगला प्रश्न है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन बी हुकुम सिंह, ऑप्शन सी मीरा कुमार एंड ऑप्शन डी ओम बिरला। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए गणेश वासुदेव मावलंकर। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, जो कि 1946 से 1956 तक देश के लोकसभा स्पीकर रहे। और प्रथम महिला लोकसभा स्पीकर थी मीरा कुमार, जो कि 2009 से 2014 तक रहीं। और वर्तमान में लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सरदार बलदेव सिंह, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री एंड ऑप्शन डी एस जयशंकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे, जो कि 1946 से 1964 तक देश के विदेश मंत्री रहे। और प्रथम महिला विदेश मंत्री थी इंदिरा गांधी, जो कि 1967 से 1969 तक देश की विदेश मंत्री रहीं। और फुल टाइम अगर एक्सटर्नल मिनिस्टर की बात करें, तो वो थी सुषमा स्वराज, जो कि 2014 से 2019 तक रहीं। और वर्तमान में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर एंड ऑप्शन डी धर्मेंद्र प्रधान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे, जो कि 1947 से 1958 तक देश के शिक्षा मंत्री रहे। और अगर हम बात करें प्रथम महिला शिक्षा मंत्री की, तो वो थी स्मृति ईरानी, जो कि 2014 से 2016 तक देश की शिक्षा मंत्री रहीं। और वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए अशरफ अली, ऑप्शन बी जॉन मथाई, ऑप्शन सी ममता बनर्जी एंड ऑप्शन डी अश्विनी वैष्णव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी जॉन मथाई। जॉन मथाई भारत के प्रथम रेल मंत्री थे, जो कि 1947 से 1948 तक देश के प्रथम रेल मंत्री रहे। और अगर हम बात करें प्रथम महिला रेल मंत्री की, तो वो थी ममता बनर्जी, जो कि 1999 से 2001 और 2009 से 2011 तक देश की रेल मंत्री रहीं। और वर्तमान रेल मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए निर्मला सीतारमन, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी बलदेव सिंह एंड ऑप्शन डी राजनाथ सिंह। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बलदेव सिंह, जो कि 1947 से 1952 तक देश के रक्षा मंत्री रहे। और हम बात करें प्रथम महिला रक्षा मंत्री, तो वो थी इंदिरा गांधी। और अगर फुल टाइम फीमेल डिफेंस मिनिस्टर की बात करें, तो वो थी निर्मला सीतारमन, जो कि 2017 से 2019 तक देश की रक्षा मंत्री रहीं। और वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम कृषि मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए नीतीश कुमार, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह एंड ऑप्शन डी नरेंद्र सिंह तोमर। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम कृषि मंत्री थे, जो कि 1947 से 1948 तक देश के कृषि मंत्री रहे।
और अगर हम बात करें वर्तमान कृषि मंत्री की तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि 2019 से अभी कृषि मंत्री हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए नीतीश कुमार, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी आर के षणमुखम चेट्टी एंड ऑप्शन डी निर्मला सीतारमन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी आर के षणमुखम चेट्टी। आर के षणमुखम चेट्टी भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, जो कि 1947 से 1948 तक देश के वित्त मंत्री रहे। और अगर हम बात करें प्रथम महिला वित्त मंत्री की तो वो थी इंदिरा गांधी, जो कि 1969 से 1970 तक देश की वित्त मंत्री रहीं। और फुल टाइम वित्त मंत्री की बात की करें तो वो हैं निर्मला सीतारमन, जो कि अभी 2019 से देश की वित्त मंत्री हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम श्रम मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए जगजीवन राम, ऑप्शन बी वीवी गिरी, ऑप्शन सी अटल बिहारी वाजपेयी एंड ऑप्शन डी भूपेंद्र यादव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए जगजीवन राम। जगजीवन राम भारत के प्रथम श्रम मंत्री थे, जो कि 1947 से 1952 तक देश के श्रम मंत्री रहे। और अगर हम वर्तमान में श्रम मंत्री की बात करें तो वो है भूपेंद्र यादव। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए हर्षवर्धन, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी राजकुमारी अमृत कौर एंड ऑप्शन डी मनसुख मांडवीय। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी, जो कि 1947 से 1957 तक देश की स्वास्थ्य मंत्री रहीं। और प्रथम महिला भी यही थी जो स्वास्थ्य मंत्री रहीं। और वर्तमान के स्वास्थ्य मंत्री की बात करें तो वो हैं मनसुख मांडविया, जो कि 2021 से देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी राजकुमार अमृत कौर एंड ऑप्शन डी अर्जुन राम मेघवाल। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, जो कि 1947 से 1951 तक देश के कानून मंत्री रहे। और अगर वर्तमान कानून मंत्री की बात करें तो वो है अर्जुन राम मेघवाल। आपका अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम संचार मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड ऑप्शन डी अश्विनी वैष्णव। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी रफ़ी अहमद किदवई। रफ़ी अहमद किदवई भारत के प्रथम संचार मंत्री थे, जो कि 1947 से 1951 तक देश के संचार मंत्री रहे। और प्रथम महिला संचार मंत्री की बात करें तो वो थी अमृत कौर, जो कि 1951 से 1952 तक देश की संचार मंत्री रहीं। और वर्तमान संचार मंत्री की बात करें तो वो है अश्विनी वैष्णव, जो कि 2021 से अभी तक देश के संचार मंत्री हैं।